हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें हम जो आपके डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपका पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो बात करेंगे आपके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की हम बात करेंगे। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने बात की थी आपके डिस्क्रीट चार्ज की बात की थी, एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण बाकी सब चार्ज पे कितने, एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण आपके चार्ज बाकी चार्ज पे या फिर उसके आसपास के चार्ज पे कितना फोर्स लगता है उसकी हमने बात की थी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जो रियल लाइफ में जो आप जितनी भी आप मटेरियल या फिर बॉडीज आप देखते हो उन पे जो चार्ज होता है वो इंडिविजुअल चार्ज नहीं होता। आपको कभी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन देखने को नहीं मिलता। आपको कोई एक प्लेट या फिर कोई एक प्लेट है तो इसमें कोई इंडिविजुअल या किसी चार्ज से मिलकर नहीं बनी होती कि ये एक प्लस ई चार्ज से मिलकर बनी है या फिर प्लस टू ई चार्ज से मिलकर इंडिविजुअल मतलब क्वांटाइज चार्ज से मिलकर नहीं बनी होती। तो इस तरह से अगर जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसी भी बॉडी पे तो उस चार्ज को आप कंटिन्यूस चार्ज बोलते हैं। जैसे ये आपकी कोई लाइन है, इस पर आपका बहुत सारा चार्ज जो होता है, ठीक है, तो इसके कारण जो आपके फोर्स लगेगा या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या फिर जो बल लगेगा वो किस तरह से लगेगा, उसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम तीन केस लेंगे। पहले केस में जो आपका वन डायमेंशनल केस है, एक विमीय है। दूसरा जो आपका केस है, सेकेंड जो आपका केस है वो है टू डायमेंशनल, ठीक है, द्विविमीय है। और थर्ड जो आपका केस है वो है 3D, ठीक है, जिसमें हम एक वॉल्यूम की बात करेंगे। वन डायमेंशनल में सिर्फ एक आपके लाइन में चार्ज अगर आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, ये प्लस से हम आपको चार्ज को शो कर रहे हैं, तो इस लाइन के कारण आपका कितना फोर्स लग रहा है। अगर किसी लाइन की फॉर्म में है एक 2D कोई आपका स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से आपके बॉडी है 2D, तो उसके कारण आपका कितना फोर्स लगेगा। एक आपका वॉल्यूम है, ये एक आपके वॉल्यूम है, जैसे बॉल होती है आपका 3D होती है, वो ब्लैक बोर्ड जो आपका होता है 2D होता है, कि सिर्फ टू डायमेंशन होती है, तो उसके कारण अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसके कारण आपका कितना फोर्स लगेगा। कोई एक चार्ज अगर उसके किसी डिस्टेंस पे रखा है तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कल जैसे मैं बोल रही थी कि आपका चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस होता है। तो ये दोनों अलग चीज़ हैं कि जो आपका चार्ज होता है वो तो क्वांटाइज ही होता है, लेकिन अगर वो बहुत सारा चार्ज आपके किसी एक बॉडी पर है तो उसको उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इधर क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका आता है लीनियर, इस अगर आपका चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपके किस तरह से फोर्स हम निकालेंगे। तो लीनियर होता है रैखिक आवेश वितरण के कारण, ठीक है, इसको लीनियर को रैखिक बोलते हैं। चार्ज आपका आवेश, डिस्ट्रीब्यूशन आपका वितरण, तो रैखिक आवेश वितरण। तो इसमें एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं, मान लो ये आपकी कोई लाइन है, ठीक है, इस पर आपका कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये हम शो कर रहे हैं कि हमारा चार्ज कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो एल है, तो इस पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी होती है घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व जिसको हम बोलते हैं, डेंसिटी इसको घनत्व हम बोलते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, जो इस लाइन पे जो चार्ज है टोटल चार्ज है वो क्यू है और अपॉन में एल, ठीक है। इसकी यूनिट आप निकालेंगे तो कूलाम पर मीटर आएगी, या फिर इसको कूलाम मीटर इनवर्स हम लिख सकते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व आपका क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में जो आपके चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। तो ये चीज़ हमने एक डिफाइन की है। और अगर हम चार्ज निकालें
मान लो एक छोटी सी डिस्टेंस हमने ली, ठीक है, उसको हमने डीएल बोला, और इस पे चार्ज हमने माना क्या, डी क्यू। इस पूरी लाइन पे आपका चार्ज क्या है, क्यू, और इसकी टोटल लेंथ क्या है, एल। इसका हमने छोटा सा पार्ट लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, डी एल, और इस छोटे से पार्ट में हमने चार्ज क्या लिया है, डी क्यू। तो इस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू आपके पास क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है। तो इस पार्ट के कारण, ये छोटा सा जो आपने पार्ट लिया है डी एल, इसके कारण जो फोर्स लगेगा, अगर हम एक मान लो इधर एक चार्ज है जिसको हमने क्यू ज़ीरो बोला है, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि हमने फोर्स टेस्ट करने के लिए इसको रखा है इधर। तो इस स्मॉल जो हमने पोर्शन लिया है इस पूरे लाइन का, उसके कारण इस टेस्ट चार्ज पे आपका कितना फोर्स लग रहा है, उसको हमने डीएफ बोला है, ठीक है। आपको फोर्स पता ही है, मान लो ये आर डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है आपके टेस्ट चार्ज, तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई किसके कारण हम देख रहे हैं, डी क्यू के कारण, किस पे देख रहे हैं, क्यू ज़ीरो पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर वेक्टर आर, ठीक है। तो ये आपके किसके कारण फोर्स आया, ये आपके आया है डी क्यू, जो आपका है जो डी एल लेंथ है उसमें चार्ज क्या है, डी क्यू है, ठीक है। तो उसके कारण आपके जो फोर्स निकलेगा वो ये वो हमने लिखा है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ के कारण, इस पूरी लाइन के कारण जो आपका चार्ज है वो कितना आएगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे, अवकलन लेंगे, ठीक है। और डी क्यू को यहाँ क्या, इनका अवकलन लेंगे, या आपका आ जाएगा डी एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ टोटल फोर्स, और के क्यू ज़ीरो आपका कांस्टेंट है, डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपके क्या हो गया, टेस्ट चार्ज क्यू ज़ीरो पे आपके लाइन के कारण, क्योंकि अब हमने इंटीग्रल कर दिया है, तो इस पूरी लाइन के कारण जो आपके चार्ज आएगा, और ये इंटीग्रल किसने करना है, जितनी आपकी लेंथ है उस हिसाब से आपको इंटीग्रल करना है, आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपके क्या आ गया, टोटल फोर्स किसके कारण, जो आपके लाइन चार्ज है उसके कारण आपका टोटल फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपके है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज, हमने अभी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिस तरह से हमने लीनियर आपकी डेंसिटी डिफाइन की थी, इसी तरह से हम सरफेस डेंसिटी डिफाइन करेंगे, जिसको हम सिग्मा बोलेंगे। और सिग्मा आपका क्या है, जो आपका चार्ज है पर यूनिट एरिया आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला है। तो ये आपका क्या है, सिग्मा आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम माइनस मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी डिफाइन की है। मान लो आपका चार्ज, ये 2D आपका स्ट्रक्चर है, द्विमीय आपका कोई, मान लो जैसे प्लेट हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, उस पर आपका कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। तो सिग्मा आपका क्या है, आवेश बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर इसका मैं छोटा सा पार्ट ले लूँ, जिसको मैं बोलूँ डी सिग्मा, मान लो इस पर डी क्यू चार्ज है, ठीक है, पूरे पे चार्ज क्या है, क्यू, और स्मॉल जो इसका छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया, जिस पे चार्ज क्या है, डी क्यू, और जिसका एरिया क्या है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी ए। तो डी क्यू की वैल्यू आप, तो सिग्मा इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, सिग्मा
डीए, तो इसके कारण मान लो कोई एक आर डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज रखा है क्यू जीरो, तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम डीएफ लिखेंगे। तो डीएफ आपका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस लिख दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई, डी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू जीरो, और डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ डायरेक्शन आएगी। और इधर से हम क्या करें, इधर से हम क्या करेंगे, वैल्यू रख दो डी क्यू की, तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, ये आपके पास डी एफ आ गया। अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है, कुल बल हमें निकालना है इस पूरी सरफेस के कारण, इस छोटे से के पार्ट के कारण आपके फोर्स क्या है, ये है, तो पूरी सरफेस के कारण निकालेंगे तो आप इसका अवकलन कर देंगे, तो इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, तो टोटल फोर्स जो कुल बल आपका आएगा इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो आपके आएगा एफ इजिकल्स टू, इसको एफ लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू जीरो सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपका टोटल फोर्स आ गया किसके कारण, आपके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अगर 2D में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो। थर्ड जो हमारा केस है वो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट जो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हमने एक स्फीयर लिया है, एक वॉल्यूम लिया है वी, ठीक है, जिस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कितना क्यू चार्ज आपका है। इसका हम छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको हम डी वी बोलेंगे, और जिस पे चार्ज क्या है डी क्यू है, और इस पे हम जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, आयतन आवेश घनत्व इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, सॉरी डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपका क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है और वॉल्यूम कितना है, उसका आपका जो मेजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर क्यूब या फिर सी मीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम की आपकी यूनिट क्या होती है, मीटर का क्यूब, ठीक है। तो इसके कारण आपके, अगर डी क्यू के कारण आप निकालें तो डी क्यू की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, रो डी वी, और कोई चार्ज टेस्ट चार्ज आपके क्यू जीरो है, इससे आर डिस्टेंस पे, आर कैप इसकी दूरी, आर कैप इसकी डायरेक्शन है आर डिस्टेंस पे, तो डी क्यू जो आपने लिया है इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, और दोनों का टेस्ट चार्ज हो गया आपका, और जो हमने चार्ज लिया है डी क्यू उसका मान, और दोनों का, और ये डायरेक्शन लगा दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो, डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रो डी वी आर स्क्वायर आर कैप डी एफ। अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज आपके पास क्या आएगा, सॉरी टोटल फोर्स आपके पास क्या आएगा, इस पूरे वॉल्यूम के कारण आपके पास क्या आएगा, तो हमें क्या करना है, इसका इंट्रीगल कर देना है। तो इंट्रीगल कर देंगे तो कांस्टेंट चीज़ बाहर आ जाएगी, वॉल्यूम इंट्रीगल करना है, रो डी वी आर स्क्वायर आर कैप, या आपका फोर्स निकल आया किसके कारण, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।